आपके हाथ या तो आपकी स्टोरी में ऐड कर सकते हैं या लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसी चीजें जिसको यूज करके आप अपने हैंड जेस्चर को मास्टर कर सकते हैं और अपनी स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। आपने भी देखा होगा कि जो भी अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, जो भी मास्टर स्टोरी टेलर होते हैं, वो अपने हैंड्स का यूज़ इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप स्टोरी सुन नहीं रहे हैं, आप स्टोरी देख रहे हैं, आप एक मूवी में हैं, आप उनके साथ उस रूम में जा रहे हैं, आप उनके साथ वो सीन महसूस कर रहे हैं। दिस इज़ वाई हैंड जेस्चर्स आर कॉल्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन टूल। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हैंड जेस्चर्स को मास्टर करें। नाउ एक चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि हैंड जेस्चर से क्या होता है। बेसिकली अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो हैंड जेस्चर इज़ लाइक पेंटिंग योर स्टोरीज। ये आपकी बात को, की पॉइंट्स को एम्फसाइज कर सकता है, आपके इमोशंस को कन्वे कर सकता है, आपके ऑडियंस को डीप लेवल पे लेके जा सकता है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, बिकॉज मेरे पास आज 7 ऐसे तरीके हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ हैंड जेस्चर का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो मैं करने भी वाला हूँ, साथ में बोलने वाला हूँ कि अगर मैं हैंड जेस्चर ऐसे वैसे कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स नॉट गुड। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग है, दैट इज़ द ट्रूथ। मैंने देखा बहुत सारे लोग जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ भी हाथ को इधर उधर करते हैं। आई वुड से कि अगर आपके हाथ का कोई पर्पज़ नहीं है, कीप इट ऑन द साइड। मुझे मेरे एक मेंटर ने बहुत पहले बोला था और बहुत ही ज़्यादा ये इंसाइटफुल था, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ़ योर हैंड्स डोंट हैव अ पर्पज़, डोंट यूज़ इट फॉर डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज अगर आप कुछ भी उल्टा पुल्टा जेस्चर्स कर रहे हैं तो आपकी ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, एंड यू डोंट वांट दैट टू हैपन। अब बात करते हैं 7 ऐसे जेस्चर्स को जो आप यूज़ करके अपनी स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो लेट स्टार्ट। नंबर 1 इज कॉल्ड शोइंग नंबर। जैसे आपने देखा मैंने कहा नंबर 1, तो आई शोड 1 फिंगर। जहाँ पे भी आपके पास नंबर्स हैं, जैसे कि 3 सीक्रेट्स, जैसे कि 5 टिप्स, जैसे कि 7 थिंग्स, जब भी आपके पास ऐसे कोई नंबर्स हैं आप जेस्टर्स का यूज़ करो। दिस कैन रियली मेक योर ऑडियंस फील दैट यस, दिस पर्सन इज टॉकिंग सेंस। नंबर 2, बेसिकली शोइंग इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे आप कहते हैं कि वो बहुत ही छोटा था या बहुत बड़ा था या ऊपर जा रहा था ग्राफ या फिर नीचे गिर रहा था उसका ग्राफ, तो आप देखोगे जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, बहुत छोटा था, बहुत बड़ा था, ऊपर जा रहा था या ग्राफ नीचे जा रहा था, मैं उसी हिसाब से अपने हैंड जेस्चर्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो जब भी आपको इस तरीके का कुछ चेंज दिखाना है, कुछ इंक्रीज कुछ डिक्रीज दिखाना है, यूज़ योर हैंड जेस्चर्स। नंबर 3, व्हेन यू आर कन्वेइंग इमोशन। जब आप कुछ इमोशनल बात करते हैं तो आप इमोशंस कहाँ से आते हैं? करेक्ट, हार्ट से आते हैं। तो व्हेन यू आर कन्वेइंग इमोशन, ट्राई टू ब्रिंग योर हैंड टूवर्ड्स योर हार्ट रीजन। इट इज़ प्रूवन कि जब आप हार्ट रीजन के पास अपने जेस्चर्स लेके जाते हैं तो लोगों को लगता है कि आप हार्ट टू हार्ट टॉक कर रहे हैं। सो जब भी आप कोई इमोशन कर रहे हैं, जब भी जैसे कोई आपको थैंक यू कर रहा है, यू आर पुटिंग योर हैंड नियर योर हार्ट टू से थैंक यू, टू से नमस्ते। दिस इज वाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। सो थर्ड थिंग इज व्हेन यू आर कन्वेइंग इमोशन, ट्राई टू कीप इट नियर योर हार्ट। नंबर 4 इज When you are trying to keep track of things, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है कि पार्टी ए थी और पार्टी बी थी, पार्टी ए ने ये वादे किए, पार्टी बी ने ये वादे किए, लेकिन सिर्फ पार्टी ए अपने वादे पे रही, पार्टी बी नहीं रही। तो दिस इज वॉट आई एम डूइंग इज आई एम एक्चुअली विजुअली क्रिएटिंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स फॉर यू, टू डिफरेंट सेगमेंट्स फॉर यू। तो जब भी आपको दो कैरेक्टर, दो चीज़ें, दो एक्सप्लेनेशन करना है, तो यू कैन यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हैंड और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ योर हैंड जेस्चर्स टू बेसिकली कन्वे दैट। सो एंड नंबर 5 इज जहाँ पे आप चीज़ों को साथ लेके आ रहे हैं, जैसे कि हम सब साथ हैं, वी आर, उसने सारा सामान उठा लिया। वॉट आई एम डूइंग इज आई एम एक्चुअली यूजिंग माई जेस्चर टू शो कि मैंने सारा ले लिया या हम सब साथ हैं। ये जब जेस्चर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आपको यूनिटी शो करनी है, जहाँ को आपको दिखाना उसने सारे पैसे जीत लिए, थिंग्स लाइक दैट, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है।
सो पांचवा तरीका है व्हेन यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग थिंग्स एंड पीपल टुगेदर. नंबर छः, आई होप आई एम डूइंग इट राइट, या नंबर छः इज कॉल्ड एम्बलम या सिंबल्स या सिग्नल्स. जैसे आपने सुना होगा थम्स अप, मैं बहुत करता हूँ थम्स अप, या फिर ओके, नमस्ते. नाउ एक चीज़ है जिसमें आपको बहुत सावधानी रखनी है, बी केयरफुल, एंड दैट इज़ नॉट डूइंग दिस. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन, बिकॉज जब आप ऐसे पॉइंट करते हो इट शोज दैट कि यू आर एट अ हायर लेवल एंड योर ऑडियंस इज एट द लोअर लेवल. इनफैक्ट एक स्टडी की गई थी, उसमें लोगों को बोला गया कि आप तीन तरीके से बोलिए लोगों को उठने के लिए. तो देर वॉज एन ऑडियंस सिटिंग, सो फर्स्ट पर्सन केम एंड ही सेड एवरीबडी गेट अप एंड द पाम्स वॉज फेसिंग अप एंड मेनी ऑफ द पीपल एक्चुअली गॉट अप. एंड सेकेंड टाइम जब आया तो ही सेड कि पाम्स को डाउन करके करो, तो ही सेड एवरीबडी गेट अप, नाउ सम पीपल स्टिल गॉट अप. एंड द थर्ड टाइम ही सेड Everybody get up. Now, because he was using the pointing gesture, very few people actually got up. So whenever you have to use that pointing, use it with an open palm. That shows that no, you don't have anything dangerous, and people love to see your palm versus being pointed at. And sometimes you can also use these gestures, all of you here. अब बात करते हैं सातवां और final gesture, बहुत ही कमाल का है, and that is when you're talking about you. मी एंड वी. जब आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, जब आप खुद को एड्रेस कर रहे हैं, जब आप पूरी किसी भी सब्जेक्ट को एड्रेस कर रहे हैं, देन यू यूज डिफरेंट जेस्चर्स. एंड जब आप इस तरह के जेस्चर्स यूज करते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो स्टोरी टेलिंग है, जो आपका पावर है, वो 2 to 10 टाइम्स बढ़ जाता है. सो मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, stay safe and stay blessed, and as I say every time, until next time, keep learning, keep growing and keep going out of your comfort zone. Please comment में बताइए कौन सा gesture आपको नहीं पता था और कौन सा gesture आप अब use करने वाले हैं. Take care.